और आपको व्हाट्सएप के माध्यम मित्रों, आप यूट्यूब पे फेक वीडियो बना के डालेंगे तो आपका वीडियो कोई भी आदमी एक बार देखेगा और दूसरी बार वह यही कोशिश करेगा कि इस आदमी का वीडियो फेक है, यह हमें नहीं देखना चाहिए। तो मित्रों, हमारे जैविक किचन गार्डन इस यूट्यूब चैनल पे आपको कभी भी फेक जानकारी नहीं मिलेगी, आपको रियल जानकारी मिलेगी और उसी रियल जानकारी का उपयोग करके आप अपना किचन गार्डन जैविक विधि से कैसे बनाना है, नैसर्गिक विधि से कैसे बनाना है, ऑर्गेनिक विधि से कैसे बनाना है, इसकी जानकारी हमसे ले सकते हैं। और हम व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, कॉल पे भी आपको जानकारी देते हैं। तो यह थी मित्रों आज के क्वेश्चन का आंसर। मुझे फेसबुक के क्वेश्चन आते रहते हैं और उस पर मैं यूट्यूब पे उसका आंसर देता हूँ। और मित्रों नमस्ते, जैविक किचन गार्डन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैविक किचन गार्डन इस यूट्यूब चैनल पे हम वीडियो अपलोड करते हैं और जो भी भारत भर के जो भाई है किचन गार्डन का, जिन्हें शौक है जो किचन गार्डन करके अपने परिवार के लिए सब्जियां फल ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए हम मार्गदर्शन करते हैं। तो मित्रों आप देख सकते हैं, यह है हमारा किचन गार्डन का बैंगन का पेड़ और देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े बैंगन उसमें लगे हैं। मित्रों मेरा यह प्रोसेस रहता है कि जो भी मुझे मेरा फलबाग लागवड़ केंद्र इस नाम से फेसबुक है और वहाँ पे जो भी लोग मुझे कमेंट करते हैं उनके कमेंट पे मैं वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब पे डालता हूँ। तो मित्रों एक मुझे पुणे से कमेंट आई थी कि सर हमारे बैंगन में बैंगन लगते हैं लेकिन फूल झड़ जाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और हमारे बैंगन में कीड़े लगते हैं। मित्रों इस दोनों क्वेश्चन की जानकारी मैं आज यूट्यूब के माध्यम से उन भाई बहनों को देने वाला हूँ जिन्होंने मुझे ये प्रश्न किया था। मित्रों देख सकते हैं मेरे किचन गार्डन में कितने बड़े बड़े बैंगन लगे हैं, ना उसमें कीड़े हैं ना कुछ है, देखिए। और यह पूरा देसी वेराइटी है, हम ऑल इंडिया में देसी वेराइटी का बीज भी सप्लाई करते हैं, लोगों को देते हैं, मित्रों को देते हैं। तो मित्रों क्या है कि हम जैविक विधि से जो किचन गार्डन करते हैं तो उसमें हम कोई केमिकल का स्प्रे नहीं करते, केमिकल खाद यूज़ नहीं करते। अब मैं आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ, आप एक एक चीज़ ये देख लीजिए, यह है येलो स्टिकी ट्रैप। ये क्या करता है मित्रों, येलो स्टिकी ट्रैप जो भी रस चूसक कीट होते हैं उनको अपने तरफ खींचता है और यहाँ ट्रैप करता है। इसके वजह से क्या होता है कि आपके बैंगन के पेड़ पे जो भी रस चूसक कीट बैठते हैं और रस चूस के अपने जो पौधे हैं उनको नुकसान पहुँचाए थे, यह येलो स्टिकी ट्रैप उनको यही रोक लेता है और हमारे फसल की ये सुरक्षा करता है। दूसरों मित्रों दूसरा उपकरण है फेरोमैन ट्रैप। अब देख सकते हैं यह फल मक्की इसमें कितनी जमा हो गई है। ये क्या करती है, फेरोमैन ट्रैप से आपके किचन गार्डन में जो भी फल छेदक मक्खियाँ रहती है उनको यह ट्रैप करता है और यहीं पर इन्हें नष्ट कर देता है। देख सकते हैं आप इसमें कितनी मक्खियाँ हैं। और मित्रों जो बैंगन बनने के बाद फल में जो अलिया पड़ती है और यहाँ पे जो ये सिंडे पे जो ये ऊपर के भाग में जो अलिया रहती है उनके पतंग आपके पेड़ में आके अंडे देते हैं
और उस अंडों से अल्लिया निकलती है और उस अल्लिया निकलने के बाद वह आपके पेड़ को ख़राब करती है। तो इसके लिए मित्रों आप देख सकते हैं हमारे यहाँ यह उपकरण लगा है, इसे कहते हैं सोलर ट्रैप। यह सोलर ट्रैप क्या करता है मित्रों, अल्लिया देने वाले जितने भी पतंग है उनको ट्रैप करता है और ट्रैप करके उनको वही नष्ट कर देता है। उसके वजह से आपके जो बैंगन के पेड़ है उन पर अल्लिया नहीं होती। ये किचन गार्डन में, जैविक किचन गार्डन में लगने वाले सारे उपकरण यहाँ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरे फेरोमोन ट्रैप है, ये अलग अलग अल्लियों के ट्रैप है, इसमें पूरी अल्लिया ट्रैप हो जाती है। यह था पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरा प्रश्न उनका यह था कि छोटी छोटे कलियाँ बन के वह झड़ जाती है। देख लीजिए यह छोटी कलियाँ है, यह झड़ जाती है। मित्रों इसका एक कारण हो सकता है कि आपकी जो ज़मीन है वह ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, तो उन कलियों को झड़ने से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वर्मी कंपोस्ट या सेंद्रिय खाद जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा। देखिए हमें हमारे इसमें देखिए ये कितने अच्छे तरीके से बैंगन है, कितने अच्छे तरीके से कलियाँ आई है, यह झड़ती नहीं क्योंकि हम क्या करते हैं इसके तने में वर्मी कंपोस्ट सेंद्रिय खाद देते।